अगर आप वेबिनार लगा रहे हैं और लोगों की भीड़ दिन पर दिन कम होती जा रही है तो दोस्त कमी लोगों में नहीं खुद में है। हेलो यस सर, कमी लोगों में नहीं है खुद में है, क्योंकि चुंबक में जितनी ताकत होती है वो उतना ही लोहा खींच पाता है। जी सर, अगर आज की डेट में आपको रिस्पॉन्स कम मिल रहा है, अगर आप वेबिनार लगाते हो भीड़ कम हो रही है, तो दोस्तों आपको अपनी परफेक्शन के ऊपर वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि जब आप परफेक्ट हो जाते हैं तो आप लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। yes, sir. Yes. पिकासो की बात करते हैं हम, पिकासो पहले उसने एक प्रोफेशन की सिलेक्शन करी, फिर उसके बाद उसमें आपको परफेक्शन लेके आया, फिर जहां भी पिकासो को लोग देखते थे तो भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, उस पर्सनैलिटी की तरफ लोग अट्रैक्ट हो जाते थे। ये जो बिजनेस है ये लोगों द्वारा चलता है, लोगों का बिजनेस है और लोगों के लिए चलता है, ये लोगों द्वारा बनाया हुआ बिजनेस है, और अगर लोग ही इसमें अट्रैक्ट नहीं हो रहे इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम ही परफेक्ट नहीं हो रहे, जिसकी वजह से लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे। हमें परफेक्शन लानी पड़ेगी अपने अंदर, अपने प्लान के अंदर, अपनी स्पीच के अंदर, अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर, अपने फॉलोअप के ऊपर, उसमें पहले परफेक्शन लानी पड़ेगी, तभी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अपने बिहेवियर के अंदर अपने को परफेक्शन लानी पड़ेगी, गुड रिलेशन गुड बिजनेस, बैड रिलेशन बैड बिजनेस, नो रिलेशन नो बिजनेस। ये संबंधों का बिजनेस है, जिस तरह के संबंध आपकी अपलाइन के साथ, आपकी टीम के साथ, आपकी किताबों के साथ, आपके प्रोफेशन से जुड़ी हर उस जानकारी के साथ रहेंगे, जिस तरह के संबंध होंगे उसी तरह से आपको कामयाबी मिलेगी। एक नदी देखी आपने, नदी नाला होता है ना, नाला, नाला किसमें गिरता है जाके, नदी में। पता क्यों? क्योंकि नाला जो होता है उसकी गहराई कम होती है, नदी में गहराई बहुत ज्यादा होती है, तो नाला जो है वो नदी की तरफ दौड़ते हुए चला जाता है। नाला नदी में गिरता है और नदी का मीठा जल होता है, पहाड़ों से नदी निकलती है, मीठे जल वाली नदी जो पहाड़ों की शोभा होती है वो हमेशा खारे समुद्र से मिलने के लिए मतलब उतावली रहती है, पहाड़ों को चीरते हुए। कुछ तो बात रही होगी उस खारे समुद्र में, ऐसे ही नहीं मीठी जल की मालक नदियां समुद्र के साथ मिलने के लिए बेताब रहती हैं। कुछ तो खासियत है उसमें, समुद्र में एक बड़ी खासियत है कि वो जल से लबालब भरा हुआ है, लेकिन नदी से हमेशा थोड़ा नीचे रहता है, और ये जो उसका झुकाव है, ये जो उसका नदियों के साथ व्यवहार है, और हमेशा नदी का इंतजार करता रहता है, ये जो इंतजार है, जो उसका पेशेंस है, ये जो उसका बिहेवियर है, ये जो उसका नदी के साथ रिलेशन है, ये जो उसका झुकाव है, उसको देख के नदियां फिदा हो जाती हैं और उसमें समाने को उनका जी चाहता है। इसलिए आप अपने अंदर जब परफेक्शन लेके आते हैं तो दो चीजें होती हैं, परफेक्शन लाने के बावजूद भी आपको दो चीजों के ऊपर काम करना होता है, एक होती है अट्रैक्शन और एक होता है इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना, एक होता है आकर्षण और एक होता है प्रभावित करना। जैसे संजय धीमान स्टेज पे गया मान लीजिए, या संजय धीमान ने एक वेबिनार लगाया, अट्रैक्शन और इन्फ्लुएंस दोनों में फर्क होता है, किसी के ऊपर प्रभाव डालना और किसी को अपनी तरफ खींचना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। प्रभाव कोई भी व्यक्ति डाल सकता है, मैंने अमिताभ बच्चन की कहानी सुनाई आप प्रभावित हुए, मैंने सचिन तेंदुलकर की कहानी सुनाई आप प्रभावित हुए, मैंने पिकासो के बारे में कहा आप प्रभावित हुए, लेकिन प्रभावित होने से काम नहीं चलेगा जब तक आदमी आपकी बात को सुन के आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, उसमें अट्रैक्शन नहीं आती, तब तक आपके नेटवर्क का साइज और नेटवर्थ का साइज बड़ा नहीं होता। जी सर, तो प्रभावित करना और आकर्षित करना दोनों में क्या फर्क है? जी सर, एक व्यक्ति आपको अपनी कहानी सुनाता है कि यार मैं डीजल मैकेनिक था, आज से 18 साल पहले एक व्यक्ति ने मुझे प्लान दिखाया, मुझे प्लान अच्छा लगा, मैं जुड़ गया, मैंने बहुत ठोकरें खाई, मुझे लोगों ने मना किया, मुझे लोगों ने रिजेक्शन दिए, मैं पैदल चला, मुझे मकान मालिक ने निकाल दिया, मैं जब लिफ्ट मांगता था तो लोग मतलब लिफ्ट नहीं देते थे, मैं घर में प्लान करने गया, लोगों ने मेरी किताबें फेंक दी, मुझे कॉलर से पकड़ के घर से निकाल दिया कि हमें करोड़पति नहीं बनना, निकल जाए इधर से, मतलब तरह तरह की बातें की, लेकिन दोस्त मैंने परवाह नहीं की, मैं फिर भी लगा रहा, मुझे आज जितने रिजेक्शन मिलते थे मैं सेकंड डे उतने ही जोश के साथ वापिस प्लान करने जाता था, क्योंकि मैंने एक इस फील्ड को सिलेक्ट कर लिया था, मैंने इसका चुनाव कर लिया था,
मैं पैदल चलता था, आज मेरे पास गाड़ी है। मैं किराए का मकान में रहता था, आज मेरे पास बंगला है। दोस्तों सोचने वाली बात है, कई बार आप सोचते हैं कि नहीं ये तो वही कर सकता है जिसकी बहुत बड़ी पहचान होगी। मैं गुजरात में आया था, मुझे कोई नहीं जानता था। ये तो वही कर सकता है जिसको इंग्लिश आती होगी। मुझे तो गुजरात की भाषा भी नहीं आती थी, लोग मेरी भाषा समझ नहीं पाते थे। मैं हिंदी बोलता था, गुजराती बोलते थे। लोग सोचते हैं कि ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी बैकग्राउंड सॉलिड होगी। मेरी किसी ने कोई मदद नहीं की, मेरे पास तो भरने के लिए पैसे भी नहीं थे। ये तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास पैसे हो, मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। बट दोस्त, उसके बावजूद भी मैंने मेहनत की, कामयाब हुआ और आज मेरे पास खुद की गाड़ी है, खुद का घर है, खुद का बंगला है, इतनी बड़ी टीम है। इससे क्या होगा, लोग इंस्पायर हो सकते हैं, लोग इससे इंफ्लुएंस हो सकते हैं, लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन लोगों में आकर्षण कब आएगा, जब मैं ये कहूंगा अनोखी लाल तू टेंशन ना ले यार, तेरे साथ सज्जे दिमाग खड़ा है। मैं सांकला जी से कहूंगा आप प्रवाह क्यों करते हो, लोगों के ना सुनना ये छोटी सी बात है। इस बिजनेस में कामयाबी के शिखर तक पहुंचने की शुरुआत ना से होती है। प्यार हो चाहे व्यापार हो, शुरुआत ना से ही होती है। अब प्रवाह मत करो, मुझे पता है सांकला जी हम एक दिन बहुत बड़ा इतिहास बनाएंगे। मैंने गौरव से कहा, गौरव हम दुनिया हिला के रख देंगे। दोस्त जब मैं ये बात सामने वाले को कहता हूं कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तो लोग आकर्षित होते हैं। हमें कितनी जानकारी है, हमें कितनी जानकारी है सिस्टम के बारे में, लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन लोगों को इतनी जानकारी जरूर रहती है कि संजय धीमान को हमारी कितनी परवाह है। यस सर, लोग आपकी तरफ कब अट्रैक्ट होते हैं। आप अपनी सफलता के बारे में मत सोचिए, आप लोगों को कामयाब करने के बारे में सोचिए। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, जब आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, जब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो आपकी सफलता का साइज बड़ा होगा, आपकी प्रसिद्धि का साइज बड़ा होगा। इस सिस्टम में लोग क्या करते हैं बता, शारीरिक तौर से जुड़ जाते हैं लेकिन मानसिक तौर से नहीं जुड़ते। शारीरिक तौर क्या है यार, तू मेरा यार, मैं तेरा यार, लिया 10,000। जी जी सर, हाँ चल ले जाए। उसने 10,000 रुपया दे दिया है लेकिन शारीरिक तौर से दिया है। लेकिन एक व्यक्ति कहता है मैं जुड़ना चाहता हूं, मैं भी कामयाब होना चाहता हूं, मैं दुनिया हिला के रख दूंगा, पर सर मेरे पास पैसे का बंदोबस्त नहीं हो रहा। वो दिल से चाहता है तू मेरा यार, मैं तेरा यार, लिया 10,000, ये वाली पॉलिसी काम नहीं करेगी। यहां पे वो पॉलिसी काम करेगी जो दिल से इस सिस्टम के साथ जुड़ता है। दोस्तों वही एक दिन रिकॉर्ड तोड़ता है। अट्रैक्शन क्या होती है, तू दिल से ना जाए तो मैं क्या करूं। यस सर, तू दिल से ना जाए तो मैं क्या करूं, तू ख्यालों से ना जाए तो मैं क्या करूं। कहते हैं ख्वाबों में होगी मुलाकात उनसे, पर नींद ही ना आए तो मैं क्या करूं। यस सर, कहते ना रिश्ता वो नहीं जिसमें जीत और हार हो, रिश्ता वो नहीं जिसमें जीत और हार हो, रिश्ता वो नहीं जिसमें इजहार और इनकार हो, रिश्ता तो वो है जिसमें किसी की उम्मीद ना हो लेकिन फिर भी उसका इंतजार हो। अट्रैक्शन,